सब नाज में बात कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। देखें, हुकूमत को जो SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई थी, हम अपनी यकीन दहानी पर, अपने वादे पर कायम हैं। यही सबब है कि आज जब AC ने हमें निशानदही की कि इन मार्केटों में जो आज सदर में सील कर दी गई, SOPs पर अमल नहीं हो रहा, तो हमारे सामने वो मार्केटें सील हुई और हमने अपने ताजरों के शदीद एहतजाज के बावजूद, इश्तियाल के बावजूद, उनकी दुकानों को सील होने दिया। हम कानून के हक़ में हैं, कानून के साथ हैं, हम कतई तौर पर SOPs की खिलाफ वर्जी ना करेंगे ना होने देंगे। ये बात हमने पहले कही, आज भी अपनी जगह पे हम कायम बताए हैं। रही रहा सवाल आवाम का, तो आवाम को भी सब्र करना चाहिए। चांद रात तक की मैं ज़मानत देता हूँ कि हुकूमत, ये जो कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये सहूलत वापस ले ली जाएगी, दुकानें दोबारा बंद हो जाएंगी, ऐसी इन अफवाहों पर कान ना धरें। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर SOPs पर अमल करेंगे तो चांद रात तक आप आवाम ख़रीदारी कर सकेंगे, बच्चों के लिए वो अब कपड़े खरीद सकेंगे। लेकिन अगर आवाम SOPs पर अमल नहीं करेगी और ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलेगी, तो यकीनन ये उनके लिए भी ख़तरनाक है। उनकी वजह से अगर शॉपिंग मॉल्स सील होना शुरू हो जाएं, तो फिर उनकी ख़रीदारी नहीं हो सकेगी, इसी तरह उसका नुकसान दुकानदारों को भी पहुँचेगा। मैं दुकानदारों को भी यकीन दिलाता हूँ कि वो SOPs पर अमल करें। कोई दुकानें मार्केटें बंद करवाने की तो दूर की बात है, उनके ताले को, उनके शटर को हाथ भी नहीं लगा सकते। आप हमें कानून पर अमल करके दिखाएं, आपका कारोबार चलता रहेगा, आपका शटर उठेगा, आपकी माली हैसियत, माली सिलसिले चलते रहेंगे, इसकी हम आपको ज़मानत देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब आप कानून पर अमल करेंगे तो अल्लाह भी आपके साथ होगा। लोग शॉपिंग के लिए आएँ तो बच्चों के कपड़े साथ ले जाएँ, कोरोना साथ ना ले जाएँ, ईद की खुशियाँ ले जाएँ, कोरोना वायरस के दुख ना लेकर जाएँ। इसलिए खुदा के लिए मैं आवाम से भी मैं दर्द बंदाना अपील करता हूँ कि उजरत का शिकार ना हो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, ज़्यादा रश के का सबब ना बने। आप तहमुल मिजाजी से आएँ, हो सकता है कि चंद 2 से 3 दिन में हमारी दरख्वास्त पर इफ्तार के बाद की दुकान ख़रीदारी भी बहाल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये और बेहतर होगा, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम 5 बजे तक की ख़रीदारी में कानून पर अमल करके दिखाएंगे।